अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़े क्वेश्चन आए विदाउट एडजस्टमेंट, बट स्टेट आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, मेजॉरिटी वही क्वेश्चन पे है, बट कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको कुछ एडिशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ध्यान से देखना, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, मतलब नेट ऑफ रिटर्न्स, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंटरी एक ही चीज होती है, कोई ओपनिंग इन्वेंटरी लिखता है, कोई ओपनिंग स्टॉक लिखता है, एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने बेचा वो आपको कितने का पड़ा, फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मतलब परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ध्यान से देखना। पहले बताया हमें बस एग्जांपल, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कैरेज फ्रेट ऑक्ट्रॉय, कार्टेज इनवर्ड्स, वेजेस एटसेट्रा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कभी कभी ऐसे आइटम्स दे रखे होते हैं तो आप उससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे, और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इस फॉर्मूले पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। पहले आप फॉर्मूले को रीड कर लेंगे, फॉर्मूले में कोई डाउट है तो पूछेंगे। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है इस कॉन्सेप्ट पे? क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे से होते हैं बट इंपॉर्टेंट होते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या गिवन है? नेट सेल्स 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। नेट सेल्स 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है और बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालो और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो। मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो। क्या गिवन है? नेट सेल्स कितनी है? 1 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 25% ऑफ कॉस्ट। ध्यान से देखना, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, नेट सेल्स 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन यही है। ओके, अब फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमें पता है, सॉल्व करते हैं इसे। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन आपको ग्रॉस प्रॉफिट क्या दे रखा है? 25% ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन
as a percentage, if gross profit is given as a percentage of cost and sales are given, cost or cost of goods sold, एक ही बात है, cost of goods sold is not given, we must calculate or we can calculate gross profit in the following manner. ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये. सिर्फ 11th में नहीं, 12th में भी यूज होगा. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है. कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, सेल प्राइस गिवन है. तो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट द कॉस्ट, कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके बात है, लेट द कॉस्ट बी एक्स. तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट तो गिवन है 25% ऑफ एक्स. तो 25% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 0.25x. अब हमें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब नेट सेल्स हमारे को गिवन है, तो नेट सेल्स के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है? नेट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. उधर ले गए. अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? हमने लिया है एक्स. ग्रॉस प्रॉफिट क्या उससे बना? 0.25x. तो नेट सेल्स क्या होगा? 1.25x. और नेट सेल्स को गिवन है 1 लाख. तो नेट सेल्स अगर 1.25x है, ध्यान से देखना, दिस इंप्लाइज 1.25x इज इक्वल टू 1 लाख. सेल्स तो गिवन थी, तो x क्या हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.25. डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 5, 25 × 4, 520,000. तो x क्या आया? 80,000. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आंसर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया? ₹80,000. ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 25% ऑफ 80,000, विच इज इक्वल टू 20,000. वेरीफाई कर लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट आपके नेट सेल से भी मैच कर रहा है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बट बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल्स 1 लाख गिवन थी, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था 25% ऑफ कॉस्ट, और हमें कॉस्ट गिवन नहीं है, तो लेट द कॉस्ट बी एक्स. कॉस्ट को एक्स लिया हमने, फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट है, तो अगर कॉस्ट को एक्स लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 0.25x. अब फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो नेट सेल्स क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तो एक्स प्लस 0.25x. तो नेट सेल्स है 1.25x. नेट सेल्स हमें गिवन था, तो हमने एक्स को इक्वेट कर दिया, तो कैलकुलेट करा, तो एक्स कितना आया? 80,000. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80,000, ग्रॉस प्रॉफिट 20,000. वेरीफाई कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 20,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80,000. तो ये एक वेराइटी थी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं. अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एसर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ किया तो डायरेक्टली हो जाएगा यहीं पे. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? चलो मैं आपको प्रॉपर स्टेप्स के साथ ही करा देता हूं.
एग्जाम्पल टू ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान से देखना क्या क्या गिवन है। ओपनिंग स्टॉक 8500, परचेजेस 30,700। ओपनिंग स्टॉक 8500, परचेजेस 30,700 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है। डायरेक्ट कितने हैं? 4,800। इनडायरेक्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, वो यूज नहीं होंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हो गए? 4,800 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 9,000, तो माइनस हो जाएगा 9,000। तो 8,500, 38, 39, 200, 40, 44,000, 38, 38,500, 39, 200, 40, 44,000 माइनस 9,000, तो आंसर क्या आया? 35,000। क्या है ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर हमें डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने आए तो वो कैसे निकालेंगे वो भी समझा दिया, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए कि सेल्स गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे वो भी समझा दिया। फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सिंपल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या करा हमने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या रेलेवेंस है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए यूज किया जा सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट तो हम ट्रेडिंग अकाउंट से भी निकाल रहे थे। कभी कभी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कुछ आइटम्स दे रखे हैं और डायरेक्टली बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ट्रेडिंग अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनानी है, तब ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं। क्या निकाला हमने? ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स, सेल्स और नेट सेल्स। नेट सेल्स बेटर है क्योंकि मतलब सेल्स में तो हम रिटर्न माइनस करके दिखाते हैं, तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, परचेजेस गिवन है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मतलब कोई रिटर्न्स नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं है, सेल्स रिटर्न नहीं है, क्योंकि आप एक ही मिसिंग फिगर निकाल सकते हो, वो है क्लोजिंग स्टॉक। बट आपको क्या गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 33 1/3%। 33 1/3% क्या होता है? पहले तो ये समझ लेते हैं। 33 1/3%, तो 33 into 3 99 100, तो ये होता है 100/300, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/3। तो 33 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ कॉस्ट। अब ध्यान से देखना इसको यूज कैसे करना है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको ओपनिंग स्टॉक तो गिवन है, नेट परचेजेस भी गिवन है, रिटर्न्स नहीं है तो परचेजेस इक्वल टू नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, निल है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? अब हमें सेल्स गिवन है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पहले करा था, ध्यान से देखना। टोटल सेल्स कितनी है?
कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स कितनी है 60, क्रेडिट सेल्स कितनी है 40. तो कैश सेल्स 60,000, क्रेडिट सेल्स 40,000. तो टोटल सेल्स कितनी हो गई 1 lakh. ओके, अब रिटर्न्स नहीं है तो टोटल सेल्स और नेट सेल्स एक ही बात होती है. अब ग्रॉस प्रॉफिट है 1/3 ऑफ कॉस्ट. ग्रॉस प्रॉफिट है 1/3 ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट गिवन नहीं है. लेट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बी एक्स. तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 1/3 ऑफ एक्स. तो सेल्स क्या होता है? सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/3 ऑफ एक्स. तो वो क्या हो जाता है 4/3 x. तो 4/3 x इज इक्वल टू 1 lakh. तो x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 lakh. ध्यान से देखना, 3 इंटू 1 lakh डिवाइडेड बाय 4. तो वो क्या आ जाएगा 4 से 25,000. 25 इंटू 3 75,000. क्या निकाला आपने? कॉस्ट निकाल ली. तो कॉस्ट 75,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया. अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया तो अब मैं आके इस फॉर्मूले में, जो ये फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक इधर ले जाएंगे और कॉस्ट इधर आ जाएगा. तो उस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? पहले तो यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ₹75,000. अब इस फॉर्मूले से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले से हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे. तो वहां पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले से हमने निकाला. क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू के उधर चला गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इधर आ गया. अब ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेस 70,000. ओपनिंग स्टॉक कितनी है 20,000, परचेजेस कितनी है 70,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है तो जीरो है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने कितना निकाला 75,000. तो 90,000 माइनस 75,000 क्या है? ये 15,000. बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं इन कॉन्सेप्ट्स पे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के कॉन्सेप्ट पे. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाले चैलेंजिंग क्वेश्चन, छोटे छोटे बन सकते हैं. वेरीफाई करेंगे हम. ओपनिंग स्टॉक 20 था और परचेजेस 70 था. ओपनिंग स्टॉक 20, परचेजेस 70. डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है तो जीरो. तो हमने क्या निकाला इससे? क्लोजिंग स्टॉक. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो हमें फॉर्मूला समझ आना चाहिए. फॉर्मूला समझ आएगा तो उसकी किसी भी तरीके की एप्लीकेशन हम कर पाएंगे. अगर फॉर्मूला समझ आएगा तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एंड दिस विल बी यूज्ड इन क्लास 12 आल्सो.